आ गया हम लोग के पीछे, भागो रे भाई। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग आए हैं हीरा डैम घूमने के लिए, विश्व का एक ये भी है हीरा डैम। तो ये साथ में तीनों दोस्त आए हैं, तो इसको तो जानते होंगे और इसके दोस्त ये दोनों भाई हैं, तो ये भी साथ में हम लोग के जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बाइक हम लोग पीछे खड़ा कर दिए हैं स्टैंड में और देखते हैं आगे। अभी फ़िलहाल चेक इन होगी, तो यहाँ से गुजरने के बाद हम लोग को बहुत ऊपर जाना है और मस्ती करते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा आप लोग। सब देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल चेक इन होती है, बाइक से जाएंगे तो यहाँ पे टिकट कटेगा और यहाँ पे फुल चेक इन होती है। और ये रहा रास्ते और ये रहा सारी गाड़ियाँ नीचे। और जिसको मतलब बाइक वगैरह फोर व्हीलर से जाना होता है तो टिकट घर और सारे दोस्त इधर, और हम लोग पैदल जा रहे हैं और जाना है ऊपर। तो चलते हैं, आप लोग को फिलहाल डैम भी दिखाएँगे, सबसे बड़ा डैम, और 5 साल के अंदर में ये डैम बनाया है बहुत जल्दी। कारीगरों ने इतना फास्ट बनाया और इतना अच्छा बनाया। तो गाइस देखते हैं ये गाड़ी आ रही है, अब इसकी टिकट कटेगी फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगी। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग ये रास्ता रहा जाने का, तो हम लोग शॉर्ट कट रास्ते जा रहे हैं, सुबह मांगे जा रहा है। और ये भाई दो लोगों का नाम नहीं जाना बट जान जाएंगे, क्या नाम है भाई? आर्यन। आर्यन के साथ जा रहे हैं हम लोग और वो भी शॉर्टकट, तो देखते हैं क्या मज़ा आता है शॉर्टकट में। और ये देखते हैं पूरा खतरनाक रास्ता। तो गाइस चलते हैं ऊपर, ऊपर का व्यू बहुत प्यारा लगेगा, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग। तो आर्यन भाई पीछे और दोनों लोग आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने खतरनाक रास्ते, मेरी सांस फूलने लगी अभी से। सुबह खांसने लगा और जल्दी जल्दी ऊपर, पैर दर्द करने लगा। और ये भाई भी पीछे गए, इतने खतरनाक, तभी भी चलेंगे। फिलहाल गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना है, तो ये जगह जानी पहचानी है। एक बार आकर यहाँ पे हम ब्लॉग बना चुके हैं, तो वो मेरी आईडी ख़राब हो चुकी थी। और ये देखिए खतरनाक रास्ते। तो गाइस रास्ते इतनी अजीब दिख रहे हैं, रास्ते में कहीं शेर जंगली जानवर होंगे तो हम लोग का बैंड बच जाएगा, लोग गिरने से भैया बचे। तो गाइस चलते हैं ऊपर, वो जाके बैठ चुके और वहीं पे चलेंगे हम लोग। तो गाइस सर दोनों लोग ऊपर आ चुके हैं, और जिसको लिफ्ट से जाना होता है वो लिफ्ट से जाता है, वहाँ पे पार्क है। चलते हैं, आ चुके ऊपर। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हीरा डैम के ऊपर, और अभी ऊपर थोड़ा सा चलना है, वहाँ से नज़ारे दिखाएंगे। और ये देखिए नज़ारे यहाँ का समुंद्र, ये हीरा कुंड, इस समुद्र में हीरा मिलता है बट हमको नहीं पता है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले मिला करता था बट अब नहीं मिलता है, बस मछली बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। और इस जगह पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं। हम लोग कैसे कैसे और जाना है उस पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, कभी भी आप संबलपुर में आइएगा तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदर जगह है। और ये रहा हीरा डैम, अभी कलर किया गया इसको, अभी चलेंगे ऊपर, वहाँ से नज़ारे दिखाएंगे आपको। तो गाइस यहाँ से आगे आगे भाई, पीछे पीछे मैं, और ये शिवम, शिवम का सपोर्ट पूरा पूरा रहता है मेरा यहाँ पे संबलपुर घुमाने का एंड उड़ीसा, बट घुमाता नहीं है अभी। ये लोग भाई लोग सुबह सुबह घूमे थे इन लोग, और सुबह बताया नहीं था, और लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। शुभम अब छुपाओगे नहीं ना, कहीं भी जाना होगा तो बताना। तो गाइस मिलते हैं ऊपर आपसे। फिलहाल यहाँ से टिकट कटाने के बाद हम लोग 4 टिकट कटाए, और यहाँ पे राउंडिंग घूमना है। और अगली बार आए थे हम लोग तो ऊपर का मशीन नहीं घूम रहा था, पहले ऊपर चलते, पहले ऊपर
तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इंजॉय होता है, तो चलते फिर ऊपर गाइस। हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से नज़ारा दिखा आपको, और ये रहे नज़ारे। सारे लोग अंदर आ गए, ये धीरे धीरे घूम रहा है। गाइस यहाँ पे धीरे धीरे घूम रहा है, और ये देखिए बहुत प्यारा। तो गाइस सब कुछ है, इतने ऊपर आने के बाद गर्मी है, झूठ मूठ के जैकेट पहन के आए हम, हमको पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है। शरीर चक्कर देने लगा मेरा, बट फुल एंजॉय करने के बाद। देखिए चेक करिए कितना प्यारा लोकेशन है, ये बड़े बड़े दीप, इसको बनने में नहीं लगा था, उससे ज़्यादा सोचने में लग गया। ये देखिए, ये यहाँ की कंपनियाँ, हिंडाल्को कंपनी है, आप लोग जानते होंगे हिंडाल्को कंपनी, बहुत बेस्ट कंपनी है। तो गाइस आप लोग देख के बता सकते हैं आप लोग कि ये क्या चीज़ है, ये आइलैंड किस चीज़ का दिख रहा है, जो जो जानता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देख हीराकुड डैम है, ये 25 किलोमीटर का है, यहाँ से उस पार तक 25 किलोमीटर, उस पार तक खाली पानी ही पानी दिखेगा और कुछ नहीं। इधर ये सब इधर टोटल मिला के छोटे बड़े गेट डैम के 72 गेट हैं, 72 गेट। और ये देखिए इधर दूर दूर तक कुछ दिखेगा नहीं, वो रहे छोटा सा पार्क। तो गाइस चेक कर सकते हैं ये चीज़ क्या हो सकता है, उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, ये पेड़ का टॉयलेट बना हुआ है। और उधर देखिए, तो फाइनली गाइस हम लोग दर्शन वर्शन करके ऊपर का हम लोग नीचे जा रहे हैं, और ये देखिए भाई लोग, तो ये लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं, गिर गया वो स्लिप कर गया। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, बस 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 रुक गए हम लोग, पैर सीधा कर दिया, जो पैर स्लिप कर रहा है यहाँ पे, पत्थर में बजा बजा के चलो, धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं हम लोग, बस स्लिप कर रहा है यहाँ पे, स्लिप मस्ती निकल जाएगी हम लोग की सारी। और ये भाई धीरे धीरे हम लोग निकलते हुए, और ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अरे रे रे, आराम से आराम से आराम से आराम से, रास्ता यही था ना, जाने में इतना कुछ नहीं होता, मगर ये आने में बहुत कुछ हो रहा है, पैर पूरा स्लिप कर रहा है। अबे रास्ते में कुछ आ गया तो गाइस मैं निकलता हुआ तेजी से, डर लग रहा है, और वो भाई मस्ती करते हुए नीचे। गाइस स्पीड बढ़ गई स्पीड बढ़ते हुए, और यहाँ पे, और वो भाई ऊपर, शिवम भाई नीचे बहुत तेज कुछ आ गया हम लोग के पीछे, भागो रे भाई, कंट्रोल लगा रहा है, कंट्रोल लगा। हम लोग नीचे आ चुके हैं, बट मेरा थोड़ा सा चोट लगा है, और इन भाई चोट लगने से बच गए, और हम लोग गलती खुद किए कि जंगलों के बीच से हम लोग आ रहे थे, और शुभम भी बच गया, और ये भाई नीचे तैयार था। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे, और पसीना देख ही रहे हैं आप लोग, ठंडी के दिन में कितना पसीना आ गया। तो गाइस चलते हैं नीचे आराम से, फिर उसके बाद। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये
फिलहाल हम लोग की बाइक यहाँ पे रही और हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी। फिलहाल बाइक चलते हैं, रेडी करते हैं, दो लोग हैं गाइस। तो हम लोग जस्ट अभी छोटा सा पार्क में आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए, क्योंकि जो दोस्त थे वो उन लोगों का थोड़ा सा जल्दी काम था, घर से कॉल पे कॉल आ रहा था तो वो लोग चले गए घर पे, तो वो अगले दिन मिलेंगे। तभी हम लोग यहाँ पे पता नहीं कौन सा पार्क है, इसको पता होगा, हम गौरी शंकर पार्क में आए हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो इंजॉय करने के बाद अब निकलेंगे यहाँ से घर, क्योंकि यहाँ पे लोगों का फ़ोटो शूट वगैरह सब कुछ हो रहा है और लोग यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर बड़ा सा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, बड़ा भी है। तो गाइस यहाँ फिलहाल इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो सुबह हम गए अपने घर पे, तो मैं आ गया रूम पे। तो गाइस बहुत थक चुके हैं, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।